बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो आपको आज का यानी कि शाम का मंज़र दिखा रहे हैं और काम भी हम जो है अपना यानी कि शाम को शुरू कर रहे हैं। सुबह का काम हमने ख़त्म कर लिया है और शाम को जो खाना वगैरह होता है, जो अंदर बर्तन वगैरह है, चूल्हे पर झाड़ू देना, ये सब कुछ करना, तो अभी हम जो है अपना काम शुरू करेंगे। तो दिन आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्म था और मसरूफियत भी कुछ ज़्यादा रही, क्योंकि ज़ीशान को भी आज लोधरा सिटी जाना था किसी काम के सिलसिले में, तो वो वहाँ ही चला गया था। क्योंकि मेरा इरादा तो था कि मैं सुबह का व्लॉग बनाऊं, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त यानी कि गर्मी थी, सुबह को व्लॉग हम नहीं बना सके, क्योंकि जल्दी जल्दी में फिर काम वगैरह जो है वो करके फिर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर जो का जो निज़ाम होता है वो दरख्त वगैरह भी नहीं आए अभी तक, यानी कि दरख्त उगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ज़ीशान से कहा है कि इस ज़मीन को ना आप हल चलवाएं, इनको बनवाएं, फिर जो है हम दरख्तों के बारे में सोचेंगे, दरख्त वगैरह जो है वो ले आएंगे। लेकिन ये देखें कि ये ऐसे कैसे पड़ी हुई है, ट्रैक्टर वाला कोई नहीं आ रहा। दो तीन बार ट्रैक्टर वाले को बुला कर लाया है, लेकिन वो आया नहीं है, पता नहीं क्या वजह थी। फिर दोबारा जो है जाएंगे, अभी तो उनके चक्कर जो हैं कभी कहीं पर काम होता है पर कभी कहीं पर तो चले जाते हैं। तो अब चलते हैं जी अंदर और अपने किचन की तरफ। तो पीछे जानवरों वाले भी आ रहे हैं, तो इसलिए अंदर ही हमें जाना होगा। तो प्यारे व्यूअर, हमने आज खाना बनाया और खाना यानी कि हमने इस चूल्हे पर ही बनाया। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और हवा जो थी मुल्तान की साइड से चल रही थी, तो किचन पर तेज़ हवा लग रही थी और कुछ मन भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने चार पहियाँ यानी कि रख दी, ये यहाँ हवा जो है वो हवा कम आए और मैं जो है यहाँ कुछ ना कुछ बना सकूं। तो फिर हवा जो थी थोड़ी सी कम हो गई थी, तो फिर मैंने ये रखी इसलिए। तो अब इनको मैं उठाकर वहाँ छांव पे रखती हूँ और झाड़ू देती हूँ, उसके बाद सफाई करके ना फिर काम यानी कि खाना वगैरह जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। चारपाई मैंने रख दी है और सामान वगैरह जो है वो मैं ले आती हूँ। मुझे इस ईंटों पर भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है और मुझे इसमें कुछ ना कुछ यानी कि जिसको हम गुहीरे टाइप की कोई चीज़ कहते हैं, यानी कि गुहीरे टाइप का कोई जानवर होता है, तो वो इसमें घुसा हुआ है और उस वो काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है, मोटा है, तो वो वहाँ इसमें घुसा हुआ है। मैं सुबह में आई थी यहाँ, तो वो यहाँ पड़ा हुआ था, तो फिर यानी कि हमने इसलिए सफाई की कि किसी को वो भी काट ना ले। वो भी एक यानी कि जानवर है, लेकिन हो सकता है वो काट भी ले, लेकिन उसकी जहर भी बहुत ज़्यादा होती है, सांप से ज़्यादा होती है। तो फिर अभी भी ये हो सकता है सिर्फ ईंटों में छुपा हुआ है, लेकिन इनको फिर हमने मारने की कोशिश भी की, लेकिन हमारे हाथ से वो निकल गया, कहीं और जगह चला जाता है, वो तेज़ी से जाता है ना, इसलिए। तो ये ईंटें आप उठाएँगे और इनको भी लगवाएंगे। तो अभी तो पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी इस पर बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, रात को हम यहाँ पर नहीं आ सकते। तो प्यारे भाई, ये देखें आलू की सब्ज़ी ले आए हैं ज़ीशान, और इसमें कुछ ना कुछ यानी कि डालेंगे। ज़ीशान गए हुए हैं अभी कुछ और सब्ज़ी लेने, लेकिन देखते हैं कि वो क्या ले आते हैं। इसमें कुछ ना कुछ यानी कि डालने की कोशिश करेंगे। रात भी आलू की सब्ज़ी खाई थी, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज करने का मूड था, क्योंकि ज़ीशान लोधरा सिटी से यानी कि वापस आए तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वो कुछ वहीं यानी कि कोई साइड पे रुके नहीं आए कुछ लेने के लिए, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो पहले से भी बीमार हैं। वो कह रहे थे कि मुझे, मैं मोटर से ना साइकिल चला चला करना, मेरी यानी कि छाती जो है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो वो दवाई भी अपने लेने गए हुए हैं और हो सकता है कुछ नई चीज़ भी ले आएँ। तो कोशिश करते हैं अभी इनको काटते हैं, यानी कि इनको काट कर रख देंगे और दूसरा काम जो है वो शुरू करेंगे। फिर उसके बाद ज़ीशान भी पहुंच आएंगे, तो फिर
जो होगा वो फिर देखेंगे, अभी तो इनको ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आलू वगैरह बनाने की लगता है पीछे वाले जो हैं वो माल वाले भी आए हुए हैं। मैंने ज़िशान से इसलिए कहा है कि हल चला दें, ये माल वाले जो हैं जानवरों वाले ये हमें परेशान कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और बार बार जो है ज़मीन को भी ख़राब करते हैं। बस ऐसे समझ लें, वो थोड़ी सी बची हुई है ना उसमें उन्होंने डेरा लगा रखा है। तो प्यारे घर भर रहे हैं जी मटका, ये देखिए मटके को धोते हैं तो भर कर रख देंगे, ये फिर सुबह को ठंडा हो जाएगा तो फिर इनका पानी जो है वो यूज़ करेंगे। इसका पानी जो होता है, पहले बुज़ुर्ग कहते थे कि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना उसमें जो भी हम चीज़ रखेंगे रखते हैं ना वो यानी कि बिल्कुल ठंडी रहती है। तो ये मटका हम इसलिए इनको रात को भर कर रख देते हैं तो फिर सुबह जो होता है इनका ठंडा पानी होता है और वो ही इस्तेमाल करते हैं। है तो पानी कड़वा लेकिन अब थोड़ा सा यानी कि कड़वा है। मोटर का पानी जो होता है वो मीठा होता है लेकिन यहाँ ये जो नलके हैं इनका पानी यानी कि थोड़ा सा कड़वा होता है। तो प्यारे घर ज़िशान जो है वो घर पहुंच आए हैं, सब्ज़ी कोई भी नहीं मिली और वो थोड़ा सा चिकन लेकर आए हैं। ये देखें ये भी उनको मिला है यानी कि ये थोड़ा सा 250 के ऊपर तक, क्योंकि हमारे यहाँ मुर्गी का रेट जो है वो 700 चल रहा है तकरीबन, तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। सब्ज़ी भी इससे भी ज़्यादा महंगी है, ये तो ये इसकी तो बात ही ना करें आप। तो अभी बनाने की इनको कोशिश करते हैं साफ करके ना फिर इनको बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। मैं भी बस थोड़ा यूनिवर्सिटी वगैरह की मसरूफियात और इधर उधर के काम, तो टाइम वगैरह जो है वो नहीं होता ब्लॉग वगैरह में आने का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यूनिवर्सिटी ओपन है 15 सितंबर से या फिर 25 से, उससे पहले जो है ना हमारा क्योंकि 7वां सेमेस्टर है इस वक्त, तो हमने प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना है। एक प्रोजेक्ट, 2-3 प्रोजेक्ट है, एक है वाटर प्लांटिंग का और दूसरे जो है ना 2-3 हैं, सोलर सेल पे भी वर्क करना है, इसके अलावा और भी है एक ड्राई सेल, ये सारे शायद आपको पता हो। तो ये जो है ना मेरा वो इलेक्ट्रिकल ही है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टाइप है जो सब्जेक्ट है, यानी जिस पे मैं जो है वो काम कर रहा हूँ, सेमी कंडक्टर एंड नैनो टेक्नोलॉजी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ये तो बाहर तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ना वो इसको सूट नहीं करती, तो इस वजह से अब डिग्री कंप्लीट होने को है लेकिन आगे जो है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फ्यूचर जो है वो डार्क इस वक्त भी दिखाई दे रहा है, कहीं ब्राइट फ्यूचर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं बेशक अच्छे फैसले होते हैं, उन्होंने जो हमारी किस्मत में लिखा है वो ज़रूर मिलना है। बट सिर्फ हमें क्या करना है, जस्ट टू डू वर्क, वर्क करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो हम कर रहे हैं, मेहनत वगैरह कर रहे हैं और फोकस भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह जो हमारे नसीब में होगा वो ज़रूर मिलेगा। तो शाम का जो खाना है वो बन रहा है, तो अभी जो है ना पता नहीं क्या बना रही हैं अम्मी जान, चिकन मेरे ख्याल में बना रही हैं। तड़का लग चुका है और ये देखिए मैंने लहसुन का पेस्ट जो है वो बना लिया है, अब इसको मैं डालूँगी तो फिर उसके बाद जो है वो आलू की सब्ज़ी डालूँगी। तड़का लग चुका है, डालूँगी आलू की सब्ज़ी
काफ़ी अंधेरा हो चुका है। हवा चल रहे हैं क्योंकि आग जो है वो तेज़ी से चल रही है। तो प्यारे व्यूअर, काफ़ी जो है अंधेरा होने वाला है और हमने अपनी वीडियो जो है वो मुकम्मल कर ली है। खाना बनाने में यानी कि थोड़ा आधा एक घंटा देर है, तो मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी। कल एक नए व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।